दिशा में सोची थी, लेकिन G20 का पहला दिन, अब तक का जो सत्र बीता है, उसके क्या की टेकअवेज हैं? इकोनॉमिस्ट के नज़र से आपको कहां पर देखना चाहिए, आपकी नज़र कहां पर होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। और इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए पीएम मोदी ने मंत्र तो दे दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र है। और इस मंत्र में अगर हम इसको इंक्लूसिव माने, क्योंकि पिछले 2.5 साल 3 साल हम कह लें जो बीते हैं, क्योंकि कोरोना के चैलेंजेस थे, कोरोना के चैलेंज से हम पार पाए, तो रूस और यूक्रेन की कहीं ना कहीं जो युद्ध चल रहा था उसकी गिरफ्त में आ गए और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा गई, चाहे वो फूड की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, हर तरफ हमने संकट के बादल देखे और इन संकट के बीच में हमने महंगाई की आग को हवा लगते हुए देखा। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि आज का जो दिन, अभी तक का जो सत्र बीता है, आपके हिसाब से वो कैसा लग रहा है? और डिस्कशन जो नेताओं की हो रही होगी G20 के मंच में, तो केंद्र में क्या होगा, आपकी नजर कहां पर होगी? देखिए, इस समय G20 में क्या हो रहा है उसकी खबर आपको ज्यादा है बनिस्पत मेरे, तो हम लोग तो केवल टीवी चैनल के माध्यम से या न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि क्या हो रहा है। परंतु देखिए, अगर हम G20 को थोड़ा पीछे जाएं, तो G20 कैसे चालू हुआ? 1999 के आसपास जब ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, तब ये फोरम बनाया गया ताकि विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में मिलके आपस में इस तरह के चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। और वो जब तक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा इस मामले में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। अब देखिए, G20 का फोरम पे क्या है कि ये, इसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे ही हमारा बायलैटरल डिस्कशन होता है, जैसे आपकी इनिशियल रिपोर्ट में ये था कि इंडिया यूके FTA के बारे में साइडलाइन पे बातचीत हो रही है। अब यही बातचीत जो है, जो G20 था 20 से, अब इसमें यूरोपियन यूनियन और कुछ कंट्रीज अलग से, अफ्रीकन यूनियन जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया, तो समय कोई तकरीबन 36 देश के जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में हैं और इस बात पे डिस्कशन होगा। अब देखिए, दो कंट्री के ऊपर में के बीच में जब आपस में डिस्कशन होता है, उसमें बहुत सारा गिव एंड टेक होता है, पर यहाँ पे हम 36 देशों की बात कर रहे हैं। हर एक देश को चाहेगा कि उसको जो है कम ग्राउंड लूज करना पड़े और उसे ज्यादा बेनिफिट मिले। और उसमें क्या होगा कि जो भी देश जिस चीज का भी, जिसमें जिसका अपर हैंड है कंपेयर टू बाकियों का, जैसे इंडिया अगर हम एग्रीगेट में देखें तो आपका देखिए जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसमें इंडिया की डिपेंडेंस है बाकी के ऊपर। तो इंडिया हमेशा ये चाहेगा कि जो हमें क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमें कैसे इजी मिले, कम कीमत पे मिले। दूसरी तरफ इंडिया ये चाहेगा, जैसे सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों का एक काफी बड़ा अच्छा व्यापार है जो हम विश्व के साथ करते हैं, तो हम चाहेंगे, इंडिया ये चाहेगा कि किस तरह जो मार्केट्स उसके लिए ओपन नहीं है, जहां पे वो अभी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिन कंट्रीज में वो सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, चाहे उसके लिए वहां पे उस देश में कुछ नियमों में बदलाव की जरूरत है, वो क्या हम कर सकते हैं। परंतु देखिए, ये जो है ये हमेशा टू वे प्रोसेस जो कहते हैं वो होता है कि अगर हमें किसी दूसरे देश में किसी भी चीज की मार्केट के लिए हमें ओपनिंग अप चाहिए, तो हमें कुछ हमें अपने यहाँ पे भी मार्केट ओपन करना पड़ेगा, जिससे वो देश यहाँ पे आके अपना व्यापार कर सके। तो मेरे ख्याल से हिसाब से यही है कि हम किस तरह से हम, क्योंकि हुआ क्या है कि पहले आपका जो था, जो ग्लोबलाइजेशन था, वो पिछले कोई 10 स्पेशली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबली लोकलाइजेशन हो गया। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसी तरह मेक इन यूएस की भी बात हो रही है, क्योंकि यूएस वाले काफी टाइम से आउटसोर्सिंग के खिलाफ जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव वहां पे भी बनता है। तो इसमें हमेशा ये होगा गिव एंड टेक कि आखिर में ये देखा जाएगा कि कौन सा देश किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज में थोड़ा बहुत बदलाव कर पाते हैं, जिससे हम दूसरे देशों को और ज्यादा सप्लाई कर सकें विदा, और पर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमें अपनी मार्केट भी बाकी लोगों को देना पड़ेगा। पर उसमें एंड ऑफ द डे ये है कि क्या उसके कारण हमारे
जो इकोनॉमिक विकास है, आर्थिक विकास है, क्या वो आर्थिक विकास की किसकी की जो रफ्तार है वो बढ़ती है, क्या हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, क्या हम पॉवर्टी को रिमूव कर पाते हैं, तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से ये G20 में डिस्कस हो रही होंगी। जी बिल्कुल ठीक है, और तमाम पहलुओं पर, आर्थिक पहलू ज़्यादा हैं उस पर चर्चा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट वाला मुद्दा भी है जिस पर कि मंथन चल रही है G20 के इस सम्मेलन में। लेकिन पीएम मोदी ने यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता खत्म कर ली है और अब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। चलेंगे सीधे भारत मंडपम, वहां से हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, सुबह के सत्र में चर्चा चल रही थी हमारी, तो आप बता रहे थे कि दुनिया की टोटल जीडीपी का 85% ये नेशंस रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें तो अब अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। दूसरी चीज, जो मिडिल ईस्ट शिपिंग रेलवे कॉरिडोर पर जो सहमति बन रही है, तो ये दो मेजर हाईलाइट हम कह सकते हैं आज के सत्र से, और बाकी जो द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही है वहां से क्या कुछ निकल के आता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप ही बताइए कि कितना कारगर, पीएम मोदी ने ट्वीट करके तो कह दिया है कि बहुत कारगर रहा है और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनका एक फर्ज बनता है कि वहां सब कुछ ठीक चले उसके बारे में जानकारी दे। आप बताइए कि कितनी फ्रूटफुल अब तक का दिन गुजरा है आज का। देखिए, जो यूएई की पाइपलाइन की बात हो रही है, ये G20 के साइडलाइन में हुई है। G20 के अभिषेक, आप जो कह रहे थे कि यूएई के जो पाइपलाइन की डील हुई है, ये G20 के साइडलाइंस पे हुई है और इस डील का G20 के एजेंडा भी ये नहीं है। जहां तक अफ्रीकन यूनियन की G20 में शामिल होने की बात है, उससे ऑब्वियसली G20 का दायरा बढ़ेगा। अभी तक G20 जो था वो सिर्फ 20 के ब्लॉक था, ये G21 हो जाएगा अगले साल से, तो इससे फायदा होगा ऑब्वियसली। जिसमें 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन में, जिसकी 1.3 बिलियन इसका पॉपुलेशन है, इन सभी देशों का मिला के देखिए तो इतना बड़ा एक ग्रुप अगर G20 में आ जाता है, तो G20 जो ऑलरेडी दुनिया की 80-85% इकोनॉमी को कवर करती थी, ये दायरा और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर भारत के नजरिए से देखिए तो भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है इन अफ्रीकन यूनियन के देशों में, जैसे कि टेलीकॉम के क्षेत्र में सुनील मित्तल वहां पर टेलीकॉम सेवा देते हैं, बहुत सारी हमारे POC कंपनियों की वहां माइनिंग्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के भी वहां पे माइनिंग में, माइन एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट है, तो इस सब का फायदा भारत को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि भारत ने इस प्रपोजल रखा था, तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो इससे भारत को फायदा मिलेगा। पंत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंत साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ये G20 अफ्रीकन यूनियन के आने बाद एक और बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी तक तो G20 का एजेंडा होता था वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता था, लेकिन पिछले साल से अब यूक्रेन क्राइसिस, ग्रीन डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें भी होने लगी है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसका, अफ्रीकन यूनियन का इसमें इंडक्शन का ग्रोथ पे या फिर डेट मैनेजमेंट पे या जो अंडर प्रिविलेज कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अब इस समय क्या हो रहा है कि हमारे पास G20 में भी वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम यूनाइटेड नेशन में करते हैं, और वही चीज हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड उस पे। तो देखिए, ये सब जो है, हर एक चीज जो है वो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रही है, चाहे हम यूनाइटेड नेशन में बात करें, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, पर उसके अंतर्गत जो अलग अलग है, UNSCAP है, उसका काम यही है। देखिए, जहां तक आपने बात कही कि अफ्रीकन यूनियन आया 85% से वो कोई 90% के करीब पहुंच जाएगा, तो इस समय G20 का जो सिचुएशन है वो जो स्टार्ट हुआ था उससे काफी बदल गई है, उसकी परिभाषा बदल चुकी है, और इस समय अगर हम 90-95% ग्लोबल इकोनॉमी का अगर हम एक फोरम पे देख रहे हैं, तो उसमें जो है उस फोरम में केवल आपका यही है कि आप अगर ट्रेड रिलेटेड इश्यू है, क्या आप G20 या G21 में डिस्कस करेंगे या WTO में डिस्कस करेंगे। आपको एक और नया फोरम मिला, उस फोरम में आप उसका दायरा बढ़ा सकते हैं, परंतु जैसा कि हमने देखा कि बायलेटरल डील, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आरसेप का। जब आरसेप की बात हो रही थी, जिसमें मेनली एशियन ब्लॉक
न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह था, चाहे आप WTO कह लीजिए। WTO में जिस समय फूड सिक्योरिटी की बात आई, इंडिया हमेशा वॉकआउट किया कि फार्मर्स इंटरेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। आरसेप में सबसे बड़ा जो जो रोड़ा अटका वो यही था कि जो डेयरी का बाजार है हिंदुस्तान में, डेयरी प्रोडक्ट्स का, क्या हम उसे खोलेंगे। और हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया हम डेयरी प्रोडक्ट्स पे कोई हम मार्केट एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि डेयरी जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा उद्योग है जिससे फार्मर को रेगुलर वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस पे इनकम होती है। नो डाउट कि ये सब होने के बाद आपके पास एक और मंच आया है, उस मंच में आप बहुत चीजें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, परंतु आखिरी एंड ऑफ द डे जो हम कहते हैं मेन मुद्दा यही होगा कि जो हम आपस में डिस्कशन करें उसके बाद किस देश ने कितना खोया कितना पाया। अगर इसके कारण पूरे विश्व को एक आर्थिक विकास की रफ्तार मिलती है, आर्थिक विकास ज्यादा होता है, तो सबका गेन होने के चांस बहुत ज्यादा है। परंतु जब तक जो कंट्रीज जो आज से 15 साल 20 साल पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, इंटायर डेवलप्ड वर्ल्ड, वो इस समय लोकलाइजेशन की बात कर रहा है। जिन देशों ने ये कहा कि फ्री ट्रेड मूवमेंट होना चाहिए, वो अब फ्री ट्रेड मूवमेंट की बात नहीं करते। क्या इन फोरम्स पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, क्या वो विकसित देशों को इस बात पे लेके आएंगे वापस कि दोबारा से जो फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर है, जो कि हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले काफी ज्यादा था, वो दोबारा शुरू हो। अगर वो होता है तो इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। ठीक है पंत साहब, निश्चित तौर पर थोड़ा सा ना घालमेल की स्थिति तो जरूर है, लेकिन कहने की कुछ हार्डकोर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर भी चर्चा इसमें होने वाली है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल रेगुलेशन की बातचीत चल रही है, भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की जो पकड़ मजबूत है उसकी चर्चा होगी, और भारत ने कहने की अपना सपोर्ट पूरी दुनिया को एक्सटेंड करेगा, तो एक इकोनॉमिक एंगल भी इसका है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, अगर भारत के प्योर अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात करें उसके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए अब जैसे जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हम जैम ट्रिनिटी बोलें या UPI बोलें, आधार से जो पूरा फाउंडेशन चालू हुआ जिसके बेस पे हम सारा डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी, नो डाउट ये एक ऐसी चीज है, उस प्लेटफॉर्म को, उस टेक्नोलॉजी को, उस नो हाउ को हम बाकी विकसित देशों में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि जर्मनी के एक राजदूत वो सब्जी खरीदने गए, उन्होंने जब UPI से, काफी अखबारों में फोटोग्राफ भी थे जब उन्होंने UPI से सब्जी वाले को पेमेंट किया सब्जी लेने के बाद, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमको जिस समय भी हम विकसित देशों के पास कुछ नेगोशिएशन के लिए जाते थे, हिंदुस्तान जो पीछे पड़ जाता था कि टेक्नोलॉजी हमारे पास हर चीज की नहीं होती थी। परंतु इस समय जो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम हिंदुस्तान में अगर किसी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो सकती है, चाहे वो फिजिकल हो या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि जिस तरह का अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म, अलग अलग तरीके का बैंडविड्थ, अलग अलग तरीके का नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट स्पीड, अगर हिंदुस्तान में वो चीज चल रही है तो अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी देश में वो चल सकती है। तो इसलिए हमारा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा एक अपर हैंड होगा, जिसमें हम अगर बाकी चीजें, चाहे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए जिस समय जो हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था है उसका उसके हालात बाकी देशों से काफी अच्छे हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि अमेरिका 3% पे या 2% पे ग्रो कर रहा है, हम 7.8 पे कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ट्रेडिशनली इंडियन ग्रोथ रेट US ग्रोथ रेट से या डेवलप्ड वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है। तो इस समय जो है हिंदुस्तान जो ग्लोबल ग्रोथ का वन ऑफ द ड्राइवर, नॉट दी ड्राइवर, वन ऑफ द ड्राइवर, क्योंकि US और चाइना इतने बड़े हैं कि उनका छोटा सा ग्रोथ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो इस जो जो सिचुएशन में अभी हम हैं उसका हम जो है जिसको हम कहते हैं हमें वी हैव टू इनकैश दैट, हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उसके कारण
हम जो भी है जिस 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 देश में, जैसे जिस देशों के साथ हमारा व्यापार ज्यादा है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा हिंदुस्तान के साथ या किसी और कंट्री के साथ ट्रेड किसी और करेंसी में डॉलर के अलावा। परंतु जैसे यूएई है, रशिया है और ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हमारे संबंध व्यापारिक और राजनयिक संबंध बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, वहां पे और जहां पे हिंदुस्तानियों की जनसंख्या आबादी बहुत ज्यादा है, उन देशों में के साथ अगर हम रुपी ट्रेड में अगर हम जाते हैं, जो एक पहल चालू हुई है, क्या उसके कारण हम जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट करेंसी जो है